जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने सेंट्रोइड का पार्ट वन पढ़ा था, जहाँ पे हमने मीडियन और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो आई होप आपने वीडियो को देखा होगा और कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार मिलने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। तो आज की क्लास में, लास्ट क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसके जस्ट एक बार रिविजन कराता हूँ, एक मिनट की, क्या क्या हमने कराया था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको मीडियंस के बारे में। तो मीडियंस क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन मीडियन। सो AD इज मीडियन। सिमिलरली B से AC के मिड पॉइंट को, मिलाने वाला लाइन, ठीक है, मीडियन। सिमिलरली ई से AB के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, ये आपका मीडियन होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन मीडियन होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं और तीन एल्टीट्यूड भी होते हैं, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि यहाँ देखो कि किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियन है वो साइड को दो, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। मीडियन आपका ये वाला पार्ट मीडियन रहा, ए से BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, सो AD इज द मीडियन। तो हमने कहा था जो मीडियन है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटे, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, राइट। दूसरा बताया था तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। और हमने बताया था कि AG और GD का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। इस तरह से हमने और ही बताया था कि ये जो आपका जी सेंट्रोइड है यहाँ पे छह ट्रायंगल बन रहा है, ये सबका एरिया आपस में बराबर होता है। ये सबका एरिया क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस किया था, ये सबका एरिया आपस में बराबर होता है। इस तरह से देखो SSC वाले ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ABC आपका ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट आपका AD, ये वाला पार्ट BE और ये CE। अब आप ऐसा करो, इस वाले पार्ट को ना मैं हल्का सा इरेज कर दे रहा हूं। यहां देखो, तो यहां पर ये वाला पार्ट देख रहा हूं, तीन यहां पे ट्रायंगल बने, मैंने इस वाले पार्ट को हटा दिया, इस वाले पार्ट को हटा दिया, जो तीन ट्रायंगल बने इनका भी एरिया आपस में बराबर। मान लो इन सबका एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबका एरिया बराबर 1/3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हमने कई सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, राइट। अब हम लोग आज की क्लास में इससे रिलेटेड सेंट्रोइड का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपोलोनियम थ्योरम। क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपोलोनियम थ्योरम, ठीक है। दोस्तों देखो, अपोलोनियम थ्योरम कहता क्या है, यहां देखो सब लोग, आप लोग, अपोलोनियम थ्योरम क्या कहता है, AB और C एक आपका ट्रायंगल है, राइट, ABC ट्रायंगल है, ए से आपने BC के मिड पॉइंट को, आपने AD मीडियन डाला, राइट right? इसी तरह से आपने B से AC के मिड पॉइंट E है, सो B से आपने BE मीडियन डाला और C से आपने क्या, CF मीडियन डाला। मीडियन मतलब ये वाले पार्ट बराबर होंगे, AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AE और EC भी बराबर होगा। सिमिलरली आप F क्या है, AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये BF और ये वाला पार्ट AF भी आपस में बराबर होगा। ये सारे चीज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने हमारे लास्ट क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज आप इस वीडियो को स्टॉप कर दो और सबसे पहले जो हमने बताया था मीडियन और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी उसको आप स्टार्टिंग से देखो, तब ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार ज्वाइन किए हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब करो और हमारे चैप्टर को, आप पहला जो लेक्चर हमने डाला था ट्रायंगल, जहां पे हमने पूरी प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है, जितने थ्योरम थे सारे थ्योरम मैं आपको प्रूफ करते चल रहा हूं। तो प्लीज आप सारे
वीडियो को एक एक करके देखो, और एक दिन में केवल आपको एक ही वीडियो देखना है, एक से ज्यादा वीडियो देखो तो चीजें आपको नहीं आएगी समझ में, राइट। चलिए तो यहां पे अपोलोनियम थ्योरम ये कहता है कि ए बी स्क्वायर, देखो क्या कहता है, ए बी स्क्वायर प्लस आपका ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस आपका डीसी स्क्वायर। देखो ये डीसी की जगह पे आप बीसी भी बीडी भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये डीसी और बीडी बराबर है, डी मिड पॉइंट है बीसी का। सिमिलरली तीसरा पॉइंट आप यहां पे कह सकते हो कि सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर या आप कह लो ईसी। और तीसरा जो रिजल्ट है, देखो तीसरा रिजल्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, थर्ड रिजल्ट जो है हमारा, थर्ड रिजल्ट हमारा क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस आपका बी एफ स्क्वायर, या आप कह लो बी एफ को आप ए एफ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ए एफ और ये बी एफ बराबर है। तो ये आपको अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आपके पास ए बी की वैल्यू दे रखा होता है, ए सी की वैल्यू दे रखा होगा, मान लो ये आपका सी डी दे रखा होगा, तो आपसे पूछेगा ए डी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अभी मैं इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बट अब यहाँ पे बच्चों का प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये थ्योरम कहाँ से आए, रिजल्ट आपने कहाँ से लिया, तो अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ, अब इसको इस वाले पार्ट को मैं प्रूफ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, देखो बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से देखना। अब आप ये वाले पार्ट को अब देखो, अब यहां पर इस वाले पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, और देखो अब इसका मैं प्रूफ बताता हूं। ए बी सी इज ए ट्रायंगल, राइट, ए बी से डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी का, ए से हमने बी सी पे लंब डाला, ए से हमने बी सी पे लंब डाला, राइट, मान लो ए एल कुछ भी, ए एल ए एम कुछ भी, हमने माना कि ए एल जो है वो आपका बी सी पे लंब है, राइट। हमें प्रूफ ये करना है, क्या प्रूफ करना, एक मैं प्रूफ करूंगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, इस चीज को अब ध्यान से देखना। अब आप लोग सारे लोग देखो, इस वाले ट्रायंगल में ए एल और सी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो मैं कलर चेंज कर दूँ आपको, इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखना, ए एल और सी में मैं अब आपसे पूछूं कि बच्चे ये बताओ ए सी स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से कहोगे कि सर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा सर ए एल स्क्वायर और प्लस आपका क्या एल सी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर, यस सर नो, तो आपको कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो जरा, अब आप ये बात बताओ, अब यहां पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल को क्या हम लिख सकते हैं, ए एल को आप कैसे कहोगे सर ए डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से माइनस आपका एल डी स्क्वायर, बोलो यस और नो, यस, ए एल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए डी स्क्वायर माइनस एल डी स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब यहां पे अब आपका है एल सी स्क्वायर, देखो एल सी को क्या लिख सकते हो, ये एल सी को आप लिख सकते हो, ये जो एल सी है हमारा एल डी प्लस एल डी और प्लस डी सी स्क्वायर, यस सर, तो आपको अगर सर बिल्कुल लिख, तो मैं लिख दिया इसको। अब आगे बढ़ाओ, अब ए डी स्क्वायर माइनस एल डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए की जगह पे एल डी है, बी की जगह पे डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, तो एल डी और बी के जगह पे डी सी, देखो वैल्यू कट रहे होंगे ये प्लस और माइनस, तो यहां से रिजल्ट आया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर
और प्लस टू इंटू एल डी इंटू डी सी, यस और नो? तो यहाँ से पहला हमने इक्वेशन निकाला ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर टू इंटू एल डी इंटू डी सी। देखो इस रिजल्ट को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो हमने ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, तो आप यहां लिखो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर और प्लस टू एल डी इंटू आप कहोगे डी सी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा वन आ गया राइट। चलो तो अब बाकी मैं रब कर दे रहा हूं। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो राइट ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहां से बहुत सारे चीजें आपको समझ में आएगी कि इसका यूज क्या है। इस तरह से अब इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो अब आप लोग, ये जो पार्ट है हमारा कौन सा ए बी एल, ए बी एल ट्रायंगल में अब आप कहोगे सर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आप बोलोगे ए एल ए एल स्क्वायर और प्लस आपका बी एल स्क्वायर, यस और नो? ए एल देखो ये जो ए एल है उसको मैं क्या लिख सकता हूं ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और माइनस आप कहोगे एल डी स्क्वायर, मैं कहूंगा यस। बी एल को क्या लिख सकते हो, ये बी एल जो है ये क्या ये बी डी और माइनस एल डी होगा क्या, देखो ये बी एल है आपका राइट और ये बी एल है और ये आपका बी, तो बी एल को क्या मैं कह सकता हूं बी डी स्क्वायर माइनस एल बी डी माइनस एल डी, तो यहां लिख दो बी डी और माइनस एल डी का होल स्क्वायर, अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दुआ सॉरी देखो ए डी स्क्वायर माइनस एल डी स्क्वायर प्लस ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू बी डी इंटू एल डी राइट। देखो फिर से अब आपका यहां पर ये प्लस और माइनस कट गया तो यहां से रिजल्ट आ रहा है ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस आप बोलो क्या, तो आप कहोगे सर बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर राइट प्लस आपका बी डी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका टू बी डी इंटू एल डी राइट। पहले और दूसरे इक्वेशन को आप ऐड करोगे, देखो पहले दूसरे इक्वेशन को ऐड करोगे, यहां देखना 2LD है और DC है यहां पे 2BD। देखो क्या मैं इस वाले पार्ट को ध्यान देना आप लोग, ये जो आपका क्या है ये जो वाला पार्ट आपका LD LD ये जो पार्ट हमारा क्या है ये जो पार्ट DC है क्या इसको मैं BD भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है राइट, ये DC और ये BD आपस में बराबर है तो यहां पे अब DC की जगह पे आप BD लिख देना BD। तो देखो 2L इंटू डी और BD ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे क्या, पहले दूसरे को आप ऐड करोगे तो AC स्क्वायर प्लस आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू होगा यहां देखो AD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर राइट यहां पे DC स्क्वायर और BD स्क्वायर DC और BD। तो यहां पे देखो अब ये आप इस यहां पर BD की जगह पे आप DC लिख सकते हो क्योंकि दोनों ये और ये बराबर है तो ये आपका DC स्क्वायर और DC स्क्वायर 2DC स्क्वायर। तो देखो क्या जो हमारा रिजल्ट प्रूफ हुआ, तो आप कहोगे सर यस, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ध्यान दो अब आप लोग AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर राइट, इसको मैंने पहले लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यस और नो? तो चीजें बहुत अच्छे से इस तरह से हमने कुछ नहीं किया, इस वाले ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया। इसी तरह से आपने देखा कि भाई इस वाले पार्ट में ए बी एल में ए बी एल में हमने फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्या कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस आपका बी एल स्क्वायर, यस। तो आई होप यहां से अब आप चीजें बहुत क्लियर हो गए। अब यहां से देखो एक मैं क्वेश्चन कराता हूं, अब आपको यहां से मैं क्वेश्चन कराता हूं कि क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि मान लो आपका क्या दे रखा है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर ये 7 सेंटीमीटर
और ये आपका BC 8 सेंटीमीटर। BC कितना 8 सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू निकालना है। तो आप कहोगे सर AB स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 36 7 स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 49 इक्वल्स टू 2 इंटू AD स्क्वायर, 2 इंटू कितना AD स्क्वायर और प्लस आपका देखो ये पूरा पार्ट 8 है, तो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 4 होगा, मतलब BD भी 4 और आपका DC भी 4 होगा। तो यहाँ पे आप कर दो प्लस DC स्क्वायर राइट, तो 36 और प्लस 49 ठीक है 15 4 3 7 और एक 8 2 DC स्क्वायर और प्लस ये 16 दुना 32 राइट, इसमें से माइनस कर दो, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे AD है सो AD स्क्वायर राइट ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो AD की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट 53 अपॉन क्या हो जाएगा देखो 53 अपॉन 2 स्क्वायर रूट। तो यहां से अब आप कुछ भी निकाल, या आपके पास इस चीज की वैल्यू दिया होता तो आपसे पूछता DC निकालो, और कई बार DC ना पूछ के कहता BC, तो इसकी वैल्यू जब डबल करोगे तो आपका BC आ जाएगा। तो आई होप चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में, कैलकुलेशन सही है 9 6 15 4 3 7 और एक 8 ठीक है, 8 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, तो इस तरह से आपका एग्जैक्ट 100% राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने बताया कि कोई भी आपका ऐसे भी हो सकता है कि आपका AB की वैल्यू दिया हो, BC की वैल्यू दिया हो और आपसे BE मीडियन की लंबाई दिया हो, तो पूछा जाए कि भाई AE की लंबाई क्या होगी। तो आई थिंक ये चीजें बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, उस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे ठीक है। चलो पहला आप कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेते हैं थ्योरम। अब आपका जो है अब ये कहता है द थ्री टाइम्स द सम ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स मीडियन राइट। क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा का योग का जो तीन गुना है वह वैल्यू क्या होता है उसके तीनों माध्यिका के सम के चार गुना से क्या होगा वैल्यू छोटा होगा। देखो कैसे ए बी और आपका सी है राइट, यहां से ये मीडियन तो हो ये आपका जी मीडियन, मतलब ये वाला पार्ट आपका मीडियन होगा। इसी तरह से मैं इसको यदि हटा दूं, देखिए तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वही कहलाता है सेंट्रोइड ग्रेविटी ऑफ सेंटर। तो ये आपका बी और ये सी एफ ये आपका राइट ठीक है दोस्तों। तो यहां पे कह रहा है द सम ऑफ थ्री टाइम सम ऑफ थ्री टाइम द सम ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द फोर टाइम्स, मतलब ये कह रहा है कि जो फोर टाइम्स जो मीडियन पहला मीडियन हमने M1 ले लिया, दूसरा M2 और तीसरा M3 ठीक है, ये वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर होगा किसके थ्री टाइम्स ऑफ AB प्लस BC और प्लस AB BC और AC ठीक है। इसी चीज को ये लिखा गया है कि जो थ्री टाइम्स ऑफ तीनों साइड के सम का जो तीन गुना की जो वैल्यू है वो छोटा होगा किससे तीनों माध्यिका के सम के चार गुना से। बट अगेन प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों सर, यहाँ पे 2 क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे 1/4 क्यों नहीं आएगा, क्या है सर ये। और कई बार एग्जामिनर ने पूछा है आपके चार ऑप्शन दिए गए होंगे और कहेगा AD BE और CF त्रिभुज के तीन माध्यिका है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा कथन चार में से एक आपको टिक लगाना, इस तरह से चार ऑप्शन दिए गए होंगे। देखो इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ नहीं आसान है, जो हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताया था वहीं से ये निकल कर आएगी। ध्यान देना AG ये AD जो है आपका मीडियन, इसको हमने M1 माना, तो हमने बताया था AG और AG एंड GD का जो रेशियो होगा कितना, तो आप 2:1, तो मान लो ये पूरा का पूरा AD हमने AD को हमने मान लिया M1, इस तरह से
ये आपका जो BE है उसको हमने मान लिया मीडियन M2 और CF को हमने मान लिया M3। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाओ, अब तो ये वैल्यू आपका M1 है और इनका रेशियो AG और GD का रेशियो 2:1, तो ये वैल्यू क्या होगी, तो आपका वो सर 2/3 M1। इसकी वैल्यू क्या होगी, BD, ये पूरा है M2 है तो इसकी वैल्यू 2/3 M2, और ये M3 है तो GC और GF का रेशियो कितना 2:1, तो ये हुआ 2/3 और आपका M3। यस सर, तो आपको हो गया यस। देखो ध्यान देना, अब मैं यहां पे ये इस वाले पार्ट को ध्यान देना, आपका A B और G में किसी भी त्रिभुज में प्रॉपर्टी बता रखा है पहले लेक्चर में, तो जिन बच्चों ने हमारा पहले लेक्चर नहीं देखा है प्लीज इस वीडियो को आप स्टॉप कर दो और प्लीज हमारा पहले लेक्चर से आप देखना शुरू करो, तभी आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से आएगा, ये मेरा गारंटी है। कोई भी ऐसा थ्योरम ना होगी जो मैंने प्रूफ ना किया हो, और जैसे ही आपने थ्योरम प्रूफ करना सीख गया ना, CDS का पेपर ले लो, CGL टीयर 2 ले लो, CAT ले लो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। देखो तो ABG में एक ट्रायंगल, तो मैंने प्रॉपर्टी बता रखा किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा, तो आपको होगा सर 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इट मींस AB। यस और नो, तो बिल्कुल अगेन सेम प्रॉपर्टी लगाना है, कहां BGC इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, नीचे वाले ट्रायंगल, अगेन दो साइड का सम BG और GC का जो सम होगा वो BC से बड़ा, तो ये वैल्यू कितना 2/3 M2 प्लस 2/3 कितना बोलो 2/3 कितना M3, और ये बड़ा होगा किससे, तीसरा साइड BC से, तो आप हो गए यस। सिमिलरली ध्यान से देखो, ये वाला जो आपका ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये साहब ट्रायंगल कौन सा, तो आपको सर AGC, अगेन GC और AD का जो सम होगा तीसरी साइड AC से बड़ा होगा, यस और नो, तो आप हो गए यस। तो अगेन लिखो 2/3 M3 प्लस 2/3 M1, इसकी जो वैल्यू होगा वो AC से बड़ा होगा, तो यस। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो यहां से अब आपको रिजल्ट दिखेगा क्या, देखो रिजल्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो हमने लिखा था 4M1 प्लस M2 प्लस M3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल साइड, कौन कौन सा, AB प्लस BC, AB, BC एंड AC से, तो यही रिजल्ट हमने प्रूफ किया है, राइट। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर, एक और हम लोग नेक्स्ट शानदार सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो अब अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, यहां पे ध्यान दो आप सब लोग, हाँ अगला प्रॉपर्टी देखो, यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले डायग्राम बना रहा हूं, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक त्रिभुज है, राइट, ABC त्रिभुज है, ठीक है, AB का मिड पॉइंट मान लो F है और आपका AC का मिड पॉइंट आपका E है, और दो मीडियन खींचे गए हैं BF और CFR मीडियंस, यस, और कहा गया दोनों जो मीडियन है, दोनों माध्यिका है, वो एक दूसरे को सम 90 डिग्री समकोण पे काटती है, 90 डिग्री, राइट, मतलब यहां और यहां 90 डिग्री बने। थ्योरम कहता है कि भाई AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 5 times of BC square, 5 times of BC square। अब यहां से तीन टर्म है, AB, AC और BC, कोई भी दो टर्म देकर तीसरा टर्म पूछा जा सकता, हो सकता AB की वैल्यू दिया हो, AC की न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, BC निकालना हो, हो सकता किसी शिफ्ट में SSC में CGL में ये आया, किसी शिफ्ट में ये हो सकता, दूसरे शिफ्ट में यही करते हैं क्वेश्चन सेटर, BC की वैल्यू दे रखा हो, AC की दिया हो तो AB निकालना हो, अब AB दिया होगा आपका, BC दिया हो तो AC कुछ ही पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये थ्योरम अब लगाओगे। अगेन प्रश्न उठा कि सर वाई ऐसा क्यों, यहां पे 4 into BC क्यों नहीं होगा,
3 इंटू बी सी स्क्वायर क्यों नहीं होगा? यस, अगेन अब कुछ नहीं करना, अब मान लो ये वाला पार्ट आपका ये मीडियन है और ये भी मीडियन है, तो बताओ ये जो BG और GF का रेशियो कितना, तो आपको सर 2:1। BG और GF इतनी बार मैं क्लास में बोल दूंगा ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी, 2:1। मान लिया ये वैल्यू GFY है तो ये आपका 2Y है, GC और GF का भी रेशियो 2:1, ये वैल्यू आपका 2X है तो ये वैल्यू X। अब ध्यान देना, अब आप लोग सारे बच्चे अब ध्यान देना, BFG में अब आप कहोगे क्या कि ये वाला पार्ट BF, देखो BF को क्या मैं AB इसका BF को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, BF को क्या मैं AB का हाफ लिख सकता हूं, AB का हाफ क्यों, क्योंकि F मिड पॉइंट है तो BF और ये BF और AF बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो BF है वो AB का हाफ है। तो यहां यदि पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊं तो क्या होगा, यहां से अब बताओ x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, तो x स्क्वायर राइट 2y का स्क्वायर कितना, अब ये बच्चों तो लिखेंगे 2y होल स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिखो 4y स्क्वायर, इतने बड़े हो गए हो आप कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो नहीं, और इसका स्क्वायर किसका, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, तो इस वाले पार्ट का आप स्क्वायर करोगे तो यहां से आप कहोगे क्या बोलो, यहां से आप कहोगे सर AB स्क्वायर बाई 4, यस और नो, पहला इक्वेशन। सिमिलरली इस वाले पार्ट में आ जाओ, इस वाले पार्ट में आ जाओ आप, इस वाले पार्ट में GFC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, देखो ये GF अगेन क्या AC का हाफ है, यस तो आप कहोगे यस अगेन जी इसका स्क्वायर AC बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस, नहीं तो 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर राइट y स्क्वायर और यहां पे क्या अपॉन AC बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन 4 ऐड करो। अब आप देखो तो देखो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना, तो आपका हो सर 5y स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5y स्क्वायर 5 और 5 दोनों में कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगा कितना 4 AB स्क्वायर और प्लस आपका AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बोलो यस और नो। अब ये x स्क्वायर प्लस y, अब ध्यान देना, अब यहां पे मैं बता दे रहा हूं आपको ये वाला पार्ट, अब इसको मिला दोगे राइट, तो मैं यहां से अब कह सकता हूं कि जो EF स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी, यस और नो, यस EF। अब ध्यान देना एक और प्रॉपर्टी आपको हमने बताया और बाकी आगे मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में बताऊंगा, किसी भी त्रिभुज के साइड के मिड पॉइंट से, साइड के मध्य बिंदु से मिलाने वाला लाइन तीसरी साइड्स के पैरलर और उसका आधा होता है राइट, उसके आधा होता है राइट, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो BF ये E ये जो EF है वो क्या है BC का हाफ है, EF क्या है BC का हाफ है, तो इसको आप हाफ करोगे तो क्या होगा BC स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमें यही चाहिए था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू नहीं था, इसकी वैल्यू हमने यहां से निकाला, ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो FGEFG ये वाले ट्रायंगल, ये E है आपका EGF ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, तो यहां पे अब इसकी वैल्यू 5 इंटू बी सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4 कैंसल, यही हमें प्रूफ करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू 5 इंटू बी सी स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख लो आप 5 इंटू बी सी स्क्वायर, यस और नो, यस।
तो अब यहां से मान लो ये वैल्यू कुछ भी दे रखा है आपका, मान लो ये वैल्यू आपका 13 दे रखा हो, ये 14 दे रखा हो, ये 15 दे रखा है, नहीं तो यहां से अब इसके स्क्वायर दो वैल्यू दे रखा होगा आपसे, राइट। और कहेगा दोनों जो मीडियन है वो एक दूसरे को कहां कहां काटते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री काटते हैं, दो वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यहां से भी मैं क्लास अभी इसके बाद में मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, क्लियर, यस और नो। चलिए आगे अब आ जाओ तीसरा प्रॉपर्टी, अब देखो इस पे भी बहुत हमेशा क्वेश्चन बना है, CDS का जो पेपर अभी 2021 में हुआ है वहां से भी इस पे क्वेश्चन बने हैं। देखिए जरा थ्योरम क्या कहता है, अब ये जो थ्योरम कहता है यहां देखो, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड थ्योरम है और मीडियन से रिलेटेड बेस्ड है। यहां देखो अब ए बी, तो प्लीज केवल वीडियो देखना नहीं है, आप कॉपी और पेन साथ में लेके रखोगे, जो भी पॉइंट आपको नहीं आ रहा है समझ में उन सारे थ्योरम को नोट करते चले जाओगे, या अब जैसे मैंने थ्योरम प्रूफ किया उसको आप स्टॉप कर दो, उसको आप नोट कर लो, फिर आप आगे लिखो। और नहीं तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहले आपने वीडियो देख लिया उसके बाद आप नोट्स बनाओ, बट नोट्स साथ में बनाते चलो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो BC का मिड पॉइंट हमने मान लिया M और AB का मिड पॉइंट हमने मान लिया N, तो बताओ क्या ये BM क्या होगा, तो आप कहोगे सर मीडियन होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन मीडियन होता है। इस तरह से C से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर मीडियन कहलाता है, माध्यिका, राइट। तो अब यहां से थ्योरम कहता है AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 AC स्क्वायर होगा, यस यस और नो, पक्का। चलिए फिर से अब यहां पे प्रश्न उठ रहा है कि सर ये ऐसा क्यों, तो देखो प्रूफ करता हूं। मान लो ये आपका M मिड पॉइंट है, क्योंकि AM मीडियन है, तो ये X है तो ये भी X होगा, ये भी CN भी मीडियन है, मतलब N इसका मीडियन है, मिड पॉइंट है, राइट। तो AN और BN भी बराबर, तो ये वाला पार्ट Y ले लिया तो ये भी Y ले लिया, राइट, यस और नो। ध्यान से देखना सभी लोग, अब आप हमने ट्रायंगल लिया ABM, कौन सा ट्रायंगल, ABM को ध्यान से देखो, तो मैं अब आपसे पूछूं कि भाई AM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप कहोगे सर दिस स्क्वायर और दिस मतलब x का स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, यस और नो, पहला इक्वेशन। दूसरा ध्यान से देखना कौन से ट्रायंगल, आ जाओ आप दूसरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही देखना है आपको, कौन सा, ये वाला पार्ट BC और N, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो CN स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपको सी अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दिस स्क्वायर 2x होल स्क्वायर प्लस y, तो 2x का स्क्वायर कहोगे तो 4x स्क्वायर और ये वाला पार्ट y स्क्वायर, यस, आप इसको ऐड कर दो तो AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना, तो 5x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना, तो 5y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर में से 5 कॉमन लोगे तो यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि सर अब क्या करूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू है नहीं, तो अगेन अब देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सा ट्रायंगल ए बी यहां देख लो, ए इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बड़ा सा ट्रायंगल जो आपका ए बी सी को, अब आप क्या कहोगे, ये जो वैल्यू है आपका है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2y स्क्वायर
टू वाई का होल स्क्वायर और टू एक्स का होल स्क्वायर। टू एक्स का होल स्क्वायर मतलब फोर एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एसी की वैल्यू क्या होगी, फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एसी स्क्वायर अपॉन फोर। वैल्यू पुट करो, रिजल्ट आ गया मेरे दोस्त ए बी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बाई फोर, फाइव बाई एल फाइव, फाइव इंटू यहां पे आप फाइव कर लो, फाइव इंटू ए सी स्क्वायर बाई फोर। यही हमें रिजल्ट निकालना था। देखो हमने रिजल्ट लिखा था ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बाई फोर ए सी स्क्वायर। यस और नो? तो आप कहोगे सर यस। तो आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब मान लो क्वेश्चन, अब आप देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। चलो ये दिया है आपके पास क्वेश्चन में ए बी की जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, राइट। बी सी की जो वैल्यू है वो आपका दे रखा है 16 सेंटीमीटर, राइट। और आपसे कह दे कि बच्चे ये बताओ ए बी स्क्वायर प्लस, और ये कहा जाएगा कि ए एम और सी एन मीडियन है, तो बताओ ए बी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो आप कहो सर 5 बाई फोर ए सी स्क्वायर। तो बच्चे क्या बता सकते हो ए सी की वैल्यू गिवन है क्या? तो आप कहो सर नहीं, लेकिन बट क्या कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी? यस और नो? सो बाई पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजिली फाइंड आउट ए सी। तो यहाँ देखो 12 16 देखो, अब बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं है, ट्रिपले याद रखना आप, ट्रिपले याद रखा करो। कौन सा ट्रिपले? ट्रिपले आपको याद रखने तीन चार और नहीं छः आठ और दस, छः आठ दस। देखो छः का आधा 12, छः का डबल 12, आठ का डबल 16। देखो तो छः का डबल 12 है, आठ का डबल 16, तो ये 10 का डबल डायरेक्ट आप ए सी की वैल्यू आ गई 20। नहीं तो इस तरह से चीज़ें निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 5 बाई फोर इंटू ए सी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400। तो आंसर हो गया 500, आंसर हो गया 500। तो आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चार प्रॉपर्टी हमने बताए हैं, उसको आप बहुत अच्छे से कैसे ये प्रॉपर्टी आती है, यदि ये चीज़ आपने सीख गए ना, अब एग्ज़ाम आपके 4 महीने बाद भी होंगे, 6 महीने बाद भी होंगे, तो आपको चीज़ें रिजल्ट होगा कि चीज़ें का, यदि आप भूल भी गए तो आप प्रूफ कर सकते हो और बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। तो आई थिंक चीज़ें बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, देखिए किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आज हमने जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन लिए वो आपके एक्चुअल एग्जाम के लिए। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन एग्जाम, पहला जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में पूछे हुए होंगे, एसएससी टीयर 2 2020, एकदम लेटेस्ट पेपर है। ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ईच साइड इज 12, एक एबीसी समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 12, एडी मीडियन माध्यिका है और जी सेंट्रोइड, जी क्या है? केंद्रक है। हिंदी वाले बच्चे एडी देखो माध्यिका और जी केंद्रक, तो जीडी की वैल्यू देखो। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, तो बच्चे का कहना होता है कि सर आप हिंदी में बोलिए, तो ए बी सी ये चीज़ ऑफलाइन में ही क्लास में मैंने खूब पढ़ाया, तो वहाँ पे बच्चों का होता है कि सर प्लीज़ आप हिंदी में भी टर्म बोलिए, राइट। तो कहा है आपसे क्या, ए डी मीडियन है मतलब डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट होगा, राइट, मीडियन, और जी आपका क्या है, सेंट्रोइड है। और हमने बताया था प्रॉपर्टी यहाँ पे अब लगेगी, ए जी और जी डी का रेशियो, ए जी और जी डी का रेशियो 2:1 होगा, राइट। देखो अब यहाँ पे साइड दे रखा है हमारा क्या, अच्छा ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो प्लीज़ आप इसको डायग्राम ऐसा बनाओ ताकि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देखे, डायग्राम ऐसा बनाओ आप इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखे, ए बी
और सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये आपका मतलब इस जैसे ये आप मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगा, राइट। तो एडी की वैल्यू दे रखा है 12, और जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास अटेंड किया हुआ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमने बता रखा है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2 इनटू, ये रिजल्ट कहाँ से आया प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखो। जिन बच्चों ने हमारे वीडियो देखा होगा उनको बहुत अच्छे से प्रूफ भी करने आ रहा होगा, ये मेरा गारंटी है। देखो तो अब यहां से अब ये बताओ, और जी आपका क्या है, जी क्या है आपका बताओ, जी जो है वो आपका सेंट्रोइड है, जी क्या है आपका सेंट्रोइड है। तो एजी और जीडी का रेशियो, नहीं एजी और जीडी का रेशियो 2। अच्छा ये बताओ यदि साइड दिया है तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूं, तो हाइट बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू आपका 12, मतलब ये जो एजी की जो वैल्यू है पूरा जो एजी आ गया वो हमारा कितना आ गया 6√3, कितना 6√3 आ गया। और तो बताओ एजी की वैल्यू क्या होगी, एजी और जीडी का रेशियो 2:1, राइट। तो यहां से जीडी, तो अब ये बता दो एजी जो है 3 पार्ट में से 2 पार्ट है, हमें जीडी चाहिए। तो डायरेक्ट अब इसकी जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट जीडी क्या होगा, मीडियन 6√3 टोटल लेंथ, ये जीडी जो है 3 पार्ट में से 1 पार्ट है, क्यों रेशियो 2:1 प्रूफ किया हुआ है हमने, राइट। तो क्या आंसर मैच कर रहा है आपका, देखो इसको अब आप जीडी हमें निकालना है, नहीं तो ये आप 3 से कर दोगे आप, नहीं 2, तो आंसर हो जाएगा √3, तो आंसर ये हमारा गलत है। चाहिए एक बार मैं फिर से देख लूँ, जीडी हाइट दे एक साइड दे रखा है 12, तो हाइट हो जाएगा √3/2 इंटू ए, मतलब जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है वही आपका क्या होगा, वही एल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा, वही हाइट होगा, राइट। तो यहां से हाइट का मतलब यहां से हमने क्या निकाला, जो हाइट है वही मीडियन होता है इक्विलेटर, तो मीडियन की वैल्यू आ गई √3/2 इंटू ए, तो साइड दे रखा है 12, तो ये हमने काट दिया 6√3 आ गया, और यहां से वैल्यू 1/3, सो कर लेना ऑप्शन गलत है, तो आंसर हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। चलिए आ जाओ अब आप सेकेंड क्वेश्चन है, एबीसी ट्रायंगल है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, एबी की वैल्यू दे रखा है 10, ठीक है, एडी दे रखा है 12, एसी की वैल्यू दे रखा है, तो निकालना है आपका मीडियन। देखो डायग्राम बनाओ पहले तो चीजें क्लियर हो जाएगी, ए बी और आपका सी, ठीक है, डी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी, यस ध्यान देना भाई ए बी सी नहीं है, ए बी एंड डी है आपका, ए बी डी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मतलब ये वाला पार्ट आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सी इज द मीडियन, राइट। ए बी की वैल्यू दे रखा है 10, बी डी भी ए डी भी दे रखा है 12, और एसी की वैल्यू अभी हमने थ्योरम बताया था दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस स्क्वायर और प्लस दिस, तो लगाओ अब थ्योरम 10² प्लस आपका किसका एडी स्क्वायर मतलब 12² इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एसी 9² प्लस सीडी स्क्वायर, यस और नो, तो आप हो गए यस। तो देखो ये वैल्यू हो गए आपके 144 प्लस 100 244, राइट, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, डायरेक्ट आप लिख दो 244, थोड़े से स्टेप आप गायब करना सीखो, इनटू हो जाएगा आपका 81 और इनटू 2 162 प्लस 2 सीडी स्क्वायर, यस। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 सीडी स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू आपके 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 24 में से ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से 81 आ गया, क्या आ गया हमारा 81 आ गया, राइट। तो CD स्क्वायर की वैल्यू कहीं गलती तो नहीं किया हमने ना, मीडियन है और हमें निकालना क्या है, हमें BD निकालना है, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपके 100 और 144 244, राइट, 244 और ये आपका 161 9 का स्क्वायर 81, राइट, 81 का डबल हो जाएगा 162, राइट, और ये हो जाएगा 2 से, राइट ना। तो यहाँ से CD की वैल्यू हो गई हमारे पास, CD की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी
9 हो जाएगी, राइट। यहां से अब एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, ये वैल्यू आपका चार में से चार में से दो गया दो, और यहां पे 14 में से 6 गया 8, राइट, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, ये हमने गलती किया भाई, ये गलती किया, प्लीज देख लो भाई, तभी मैं कह रहा हूँ ये 82 आ रहा है, ये 82 है, जब कैंसिल करोगे तो ये 41 हो जाएगा, तो CD की वैल्यू 41 आ गया। प्लीज देख लो, यहाँ से हल्का मिस्टेक किया था हमने, राइट। तो दिस पार्ट कट कर दो आप, दिस पार्ट कट, तो आप इस वाले पार्ट को, तो यहां से ये वैल्यू 2CD square equals to हो जाएगा आपका कितना, 80, ये आपका 82, तो ये वैल्यू हो गया 41। तो ACD की वैल्यू आ गई root under 41। अब देखो पूछा है क्या, CD पूछा है या BD, BD पूछा है तो डबल होगा, तो आंसर जो होगा BD equals to हो जाएगा टू रूट फोर्टी वन। क्लियर। आगे आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका SSC टीयर 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ABC मीडियन है, ABC ट्रायंगल, AD, BE एंड CF तीनों मीडियन दे रखा, मीट कर रहे हैं O पे, और व्हाट इज द रेशियो द एरिया ऑफ ABD एंड एरिया ऑफ AOE। बस हमने आपको बताया था पहले डायग्राम बनाओ, जब भी क्वेश्चन है ज्योमेट्री में स्टेटमेंट है डायग्राम बनाओगे चीजें आपको क्लियर। कौन कौन सा मीडियन है, AD, राइट, बिटवीन दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट BE, दिस पार्ट इक्वल्स टू BE और CF, राइट, CF दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट, राइट, और जी और यहां O पे मिल रहे हैं। पूछा है क्या है, सबका एरिया मैंने बता रखा है आपस में बराबर होते, अभी क्लास से स्टार्ट किया था, मैंने रिविजन भी कराया था। पूछा है ABD, ये सबका एरिया, ये भी वन, ये सबका एरिया आपस में बराबर, ABD, ये देखो ध्यान से, ABD, A, B और D, हमने क्या, सबका एरिया आपस में बराबर, AB, तो ये वैल्यू हो गए 3, राइट, और एरिया ऑफ AOE, AO और E, इनका एरिया देखो यहां पे, AOE इनका एरिया, राइट, इनका एरिया, तो इनका एरिया कितना, ये भी सभी वन होते हैं, तो ये भी वन, तो आंसर आ गया 3:1, बी इज द ओनली राइट आंसर। देख रहे हो सारे लेटेस्ट पेपर है, यस, आगे आ जाओ आप, राइट, BE एंड CF आर द टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, तो AB और सी आपके क्या है, ट्रायंगल है, टू मीडियन दे रखा है, क्या क्या, BE और CF इंटरसेक्ट एट G, टू मीडियन से भी, एंड G इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब G पे इंटरसेक्ट करते हैं, सिमिलरली, ठीक है, ये आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जी इज देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट, ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ EF, यस, ये कह रहा है, और ओ जो है वो EF का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको मैं फिर से बना रहा हूं यहां पे देखो, ठीक है, यहां देखिए अब ये वाले पार्ट को आप लोग ध्यान से, AB और आपका C है, राइट, मीडियन आपसे कह रखा है BE, मतलब ये मिड पॉइंट होगा, और CF मिड पॉइंट है, ये आपका G पे इंटर, ये आपका सेंट्रॉइड है, और ये आपका जो है, ये जो है EF जो AD को O पे आपके मिलते हैं, राइट। तो हमने कहा देखो अब आप ऐसा वैल्यू ले लो, AD की वैल्यू, AG और GD का रेशियो 2:1, AG और GD का रेशियो कितना, तो आप 2:1, तो ऐसा वैल्यू ले लो जो आपका 3 से कट रहा हो, तो AD की वैल्यू हमने मान लिया 12, राइट, तो AG और GD का रेशियो 2:1, तो ये दो पार्ट है 3 में से, तो 12 का 2/3 करोगे, 2/3, तो ये वैल्यू 8 आएगा, और इसी तरह से GD आप निकालोगे तो 12 का 1/3 करोगे तो ये वैल्यू 4 आएगा, यस और नो, यस,
ठीक है, बट हमें चाहिए AO और OG, AO और OG। देखो ये पूरा का पूरा जो हमारा कौन, ये पूरा का पूरा जो हमारा AD है वो 6 है, ये मिड पॉइंट से है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ये भी इसको हाफ करेगा, मतलब AO की जो वैल्यू हो जाएगी वो 12 का आधा 6। अच्छा ये बताओ ये AG आपका कितना, तो आपका हुआ सर AG हमारा 6 है, AG की वैल्यू हमने 8 निकाला है, AO हमने निकाला है 6, ये वाला पार्ट हमारा 6 है, ये पूरा 8, तो OG की वैल्यू कितना, OG की वैल्यू होगा हमारा कितना, 8 में 6 गया 2, यस और नो, यही पूछा था। AO और OG आगे आंसर 6:2, सो 3:1 इज वेरी राइट आंसर, 3:1 इज वेरी राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको कुछ ही मान लो, 15 मान लो, 18 मान लो, आंसर आ जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी जो मैंने थ्योरम पढ़ाया था राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर बी इज 90 डिग्री, ए डी एंड सी मीडियन है, राइट, ए सी की वैल्यू दे रखा है 5, ये वैल्यू दे रखा है 5, ए डी की वैल्यू दे रखा है, ये वाला दे रखा है √3/5/2 लेंथ ऑफ सी ई, ये वाला पार्ट। तो अभी मैंने थ्योरम बताया था ए डी स्क्वायर प्लस आपका सी ई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 5/4 ए सी स्क्वायर, जो बड़े वाले ट्रायंगल के कर्ण का 5/5 टर्म दे रखा होगा, राइट। तो अब ये बात बताओ हमें, ये वाला पार्ट दे रखा है, ए डी दे रखा है, तो ए डी कितना, तो 3/5/2 का होल स्क्वायर, राइट। सी ई हमें निकालना है, तो सी ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 ए सी स्क्वायर, ए सी कितना 5 का स्क्वायर, 5/25, सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, देखो 5 × 45, तो ये वैल्यू आ जाएगी 45/4 प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 125/4, सी ई स्क्वायर की वैल्यू हुआ 125/4 माइनस 45/4, यस और नो, तो आप हो गए यस, तो कैन आई से डैट सी ई स्क्वायर, ये माइनस कर दो आपका 80/4 मतलब 20, सी ई होल स्क्वायर इक्वल्स टू आया 20, तो सी ई की वैल्यू 20 मतलब टू रूट फाइव सी ई पूछा है, आंसर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप हमने जो थ्योरम करवाया था उसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कराए हैं, राइट, यस और नो। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी, तो हमने देखो सेंटर ऑफ ट्रायंगल में 3 पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया है, इन सेंटर, अंतः केंद्र, उसकी सारी प्रॉपर्टी, दूसरा ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र हमने पढ़ाया, तीसरा हमने सेंट्रोइड, केंद्रक के बारे में 2 क्लास हमने ली है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वह क्लास होगी ऑर्थो सेंटर, क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, और जब वो क्लास हो जाएगी तो उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं चारों सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर पे एक क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें सारे चारों चैप्टर के क्वेश्चन कवर होंगे, लगभग मेरा 15 से 20 क्वेश्चन होगा एक लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, जो TCS अभी एग्जाम ले रही है कई सालों से, उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन एग्जाम के होंगे, कुछ हमारे बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज आप उस सेशन को देखना ना भूले। तो प्लीज जो बच्चे आज हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है दोस्तों। तो अब बस आप देखो, एक हमने एक कोटेशन डाला है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट्स योर सक्सेस मेक द नॉइज, ठीक है, आप मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, राइट। तो बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जिसने मेहनत किया है उसे जरूर फल मिलेगा, ठीक है। कई बच्चे क्या ऐसे होते हैं ना कि बस
मेहनत किया, एक बार पेपर दिया, दो बार पेपर दिया, नहीं हुआ हार मान ले, तो ये हार नहीं मानो। जिसने जो बंदा लगा रहा है उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। बस आप अपने आप पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए। मेहनत ऐसा करना है कि आपको दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करना है कि भाई मैं ऐसा मेहनत करूँ कि भाई यह एग्जाम आपको निकालना। इस तरह से आप मेहनत करो कि आपको ये दिखाना कि भाई ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार तो भाई रिजल्ट लेना ही लेना है। मैं वादा करता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो ओके, थैंक यू सो मच।